तो भाई लोगों पर ब्रह्मास्त्र का असर हो चुका है और पिछले 5 दिनों से फिल्म लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, जिससे साफ तौर पर बॉक्स ऑफिस पर पड़े सूखे को खत्म करने का एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, जो पिछले 5 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। एक तरफ बायकॉट तो दूसरी तरफ फिल्म का कलेक्शन, दोनों के बीच में इतना बड़ा गैप है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पिछले शुक्रवार यानी 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर दी है। खास बात यह है कि लोगों और क्रिटिक्स से ठीक ठाक मिली प्रतिक्रिया के बावजूद फिल्म की कमाई थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ही दिनों में फिल्म ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और अभी इसका जलवा बरकरार है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने से पहले सोशल मीडिया पर बायकॉट ब्रह्मास्त्र ट्रेंड कर रहा था और लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे थे। वजह थी कि लोगों का ऐसा आरोप था कि आलिया भट्ट और रणवीर कपूर दोनों ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले काम किए हैं और बयान दिए हैं। हालांकि अब जब इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ रहा है, तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि इस पूरी फिल्म पर बायकॉट का असर ना के बराबर है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फिल्म ने 5 दिन में अभी तक कितने करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और किस किस दिन फिल्म ने कितने करोड़ की कमाई की है, कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जरा बात करते हैं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की। दरअसल लाल सिंह चड्ढा का भी ठीक उसी तरह से विरोध हुआ था जिस तरह से ब्रह्मास्त्र का हो रहा था, लेकिन आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पर पड़े सूखे को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो बायकॉट के बाद भी ब्रह्मास्त्र ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो चलिए अब उस कलेक्शन की हम बात करते हैं। आपको बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने 5वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 13 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार का कलेक्शन मिलाकर फिल्म ने भारत में 5 दिनों में 150 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। जी हाँ, अगर ब्रह्मास्त्र की यही रफ्तार जारी रही तो जल्द ही ये मल्टी स्टारर मूवी 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी। आपको बता दें कि काफी वक्त से बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हश्र हो रहा है। भूल भुलैया 2 के बाद ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड पर बड़े सूखे को खत्म करने का काम किया है। ओपनिंग वीकेंड में अयान मुखर्जी की फिल्म ने 225 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। रणबीर आलिया की फिल्म ने इंडिया में ओपनिंग डे पर 37 करोड़ का कारोबार किया था, फिर दूसरे दिन 42 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म के हिंदी वर्जन ने 31.5 करोड़ का शानदार कलेक्शन कर अपना खाता खोला। इसके अलावा तीसरे दिन फिल्म ने 39 करोड़ रुपए कमाए। खैर, कुल मिलाकर फिल्म अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी भी ब्रह्मास्त्र अपनी लागत निकालने में काफी पीछे है। आपको बता दें कि ये फिल्म 410 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई है। फिल्म में रणवीर आलिया के अलावा मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन अहम भूमिका में हैं। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान भी कैमियो के रोल में है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि आखिर इतने विरोध के बाद ब्रह्मास्त्र इतनी कमाई कैसे कर रही है, जबकि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह से पिट गई थी? कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें। क्या आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, कमेंट में ये भी जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।